राहुल गांधी के समर्थन में उतरे कांग्रेसी, खबर प्रयागराज के मेजा के ब्यूरो संवाददाता द्वारा की गई रिपोर्ट। बताते चले कि राहुल गांधी के समर्थन में उतरे कांग्रेसी, प्राप्त जानकारी के मुताबिक उनकी मांग है कि राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द की गई है उसको लेकर सोनार के तारा पर कांग्रेस द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। साथ ही साथ बताया जाता है कि रामछबले मिश्रा जमुपार जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि तानाशाही सरकार की रवैया सही नहीं है, जब तक हमारे आदरणीय राहुल गांधी का सदस्यता वापस नहीं किया जाएगा तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। वही उपस्थित आनंद पांडे उरुवा ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि अगर सदस्यता वापस नहीं किया जाएगा तो भूख हड़ताल भी किया जाएगा। क्या है ये हमारा विरोध है तानाशाही के खिलाफ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हिटलरशाही अख्तियार किया है, उन्होंने जो जनता की आवाज़ को दबाने का एक रास्ता चुना है, उन्होंने सच को दबाने के लिए एक तानाशाहियत रवैया जो अपनाया, जो हर जगह पर न्यायपालिका को भी अपने कब्जे में लिया। आज तीन तीन साल का मुकदमा जो अभी तक तो नहीं खुला, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने संसद में सवाल उठाना चाहा कि अडानी से और माननीय प्रधानमंत्री जी के संबंध क्या हैं, 18,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए, उन्होंने उनके 5-7 सवाल हैं जो जनता के बीच के हैं। आज LIC का पैसा गायब है, SBI का पैसा गायब है, सारे पैसे का दोहन करके किसी एक व्यक्ति विशेष को दिया जा रहा है। इसके खिलाफ में जब राहुल गांधी जी आवाज़ उठाते हैं कि गरीबों का धन दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है, तो उनकी आवाज़ को जब ये नहीं बंद कर पाए तो इन्होंने सीधे सीधे उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। ये बताइए कब तक ये धरना प्रदर्शन है आप लोगों का, वो कब तक चलता रहेगा? धरना प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक इन्होंने अपना वापस नहीं लेंगे सदस्य। हमको न्याय नहीं, न्याय जब तक हमको नहीं मिलेगा तब तक हम लोग करते हैं। न्याय में आप लोग बैठे रहेंगे? बैठे रहेंगे जब तक नहीं। आपका पूरा परिचय? मैं आनंद पांडे उरुआ ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी। क्या है फूट को छिपाने के लिए ये सरकार हर स्तर पर उतर रही है। जैसे कि राहुल गांधी जी ने एक सवाल किया कि अडानी के इन्वेस्टमेंट में 18,000 करोड़ जो रुपए आए वो किसके हैं। 608 नंबर पर रहने वाला आदमी आज 6 नंबर पर आ गया है, वो कैसे आया है? आज इस सवाल को उत्तर न दे करके इन्होंने सीधा सा रास्ता समझा कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी तो सीधे अपने आप ये सारे सवाल बंद हो जाएंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब किसी धर्म, किसी जात, किसी कौम, किसी मजहब का आदमी जो अपने आप को चाहे कितना ही दलित क्यों ना हो, लेकिन जब शीर्ष पर बैठ जाता है तो ऑटोमेटिक वो सबसे ऊपर हो जाता है। ऐसा तमाम समय में हुआ है, जैसे चाणक्य जी ने जब शासक के लिए एक आदिवासी को चुना था और उसे पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया था। आज इनका कहना है कि राहुल जी ने मोदी कहा, राहुल जी ने कहा कि जो कहा मैंने सच कहा, नीरव मोदी, ललित मोदी, ये सारे जो भरोड़े हैं उन पर उन्होंने एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया कि आखिर ये सब मोदी ही क्यों है। इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि इसी तरह से किसी का उन्होंने कोई अपमान किया है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हिंदुस्तान के शहंशाह हैं, बादशाह हैं, आज वो प्रधानमंत्री हैं। आज मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर वो, अगर वो अपने आप को बैकवर्ड कहते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बैकवर्ड सबसे ऊपर है। कल सबसे ऊपर रहने वाला ब्राह्मण आज सबसे नीचे चला गया है, कोई इनकी कैबिनेट में है। आज जो भी लोग हैं ये जो जिनको ये बता रहे हैं कि ये बैकवर्ड कह करके बैकवर्ड जात का अपमान किया है, तो मैं समझता हूँ ये केवल मात्र छलावा और दिखावा है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कहीं से किसी का अपमान हुआ हो। ये केवल एक रास्ता चुनने के लिए इन्होंने ऐसा रास्ता अपनाया कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी। आज तक प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी? आप लोग खड़े हुए हैं जब तक ये सदस्यता जो वापस नहीं लेंगे, जो रद्द किए हैं, तब तक हम लोग ऐसी प्रक्रिया चालू है। ये हर जगह पूरे प्रयागराज में है, पूरे भारत में है, प्रयागराज में नहीं, पूरे भारत में चल रहा है, चलता रहेगा, चलता रहेगा। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल तेरा ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राहुल तेरा ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।
इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।